और आखिर इस तरीके के हालात क्यों बने हैं वो भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप नजर डालिए, क्या केदारनाथ जैसी तबाही आएगी, क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्यों स्थितियां इस तरह बढ़ती हुई दिख रही हैं, आप समझिए इस चीज को। ये देखिए, पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ, मानसून बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये निशान ब्लू कलर में, और यहां से आप देखेंगे येलो, ये यहां पर जो इसकी टक्कर हो रही है हिमाचल प्रदेश में, यही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस कदर मौसम का भयानक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नक्शे पे आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरब सागर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी, यहां से ये उठता हुआ आप देख रहे हैं आपके सामने, और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से, आ जाइए आप प्लीज, आप मुझे लगता है कि इस स्थिति को बेहतर बता पाएंगे। ये जो टक्कर हो रही है पश्चिमी विक्षोभ और ये मॉनसून के बीच की टक्कर, इसी वजह से इस तरीके के हालात बन रहे हैं, यहाँ जाइए सर, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब कर लें। आपने बहुत सही बताया, 2013 में भी इसी प्रकार की स्थिति, जब मानसून जून माह में 15 से 17 जून उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो ये पश्चिमी विक्षोभ और इन दोनों का जो यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है उसके कारण उत्तराखंड में ये जो यहाँ पे जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये जे एन के से शुरू हो रहा है हिमाचल, अब उत्तराखंड में, और धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो करंट आ रही है और यहाँ पर एक लो प्रेशर निम्न दाब बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो इन तीनों का पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से जो हवाएँ आ रही हैं, नम हवाएँ, और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से जो, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके कारण, और यहाँ पहाड़ी इलाका है। सर तो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है या इस तरीके के हालात बनते रहते हैं? इतने तीव्र है ये, कभी कभी बनते हैं, पर ये असंभव नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ का जब भी इंटरेक्शन होता है तो पहाड़ों पर वर्षा होती है, जब ये मानसून ट्रफ होता है ये पहाड़ों में चला जाता है, तो इस प्रकार की वर्षा होती है। पर ये जब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ का, और पहाड़ों पर विशेष रूप से, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो और भी भयानक हो जाती हैं। बड़ी चिंता इस बात को लेकर सर हो रही है कि 2013 में जो त्रासदी हमने देखी थी केदारनाथ में, क्या ये हालात उसी तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपका क्या अनुमान है? देखिए, इस बार पूर्व चेतावनी 4 से 5 दिन पहले से ही मौसम विभाग राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेश में ये चेतावनियां जा रही थी, और प्रदेश के जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है वो बहुत तैयार थी, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है वहाँ से, लोगों को कहा जा रहा है कि घर पे रहें, बाहर नहीं निकलें। नहीं, वो तो इंतजाम जो किए जा रहे हैं एहतियातन वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उसी तरीके से भयानक बारिश होगी, नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है, क्या वैसे हालात हो सकते हैं? ये जो आप दिखा रहे हैं ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। अच्छा, तो अगले 3 दिन का जो पूर्वानुमान है, चेतावनी है, वो धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है वो कम होगी, हालात ठीक होंगे। परंतु जो जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा हो चुकी है, तो नदियों में जो पानी है और जो डैम से वाटर रिलीज होगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से जो पानी रिलीज, तो ये अभी 2 या 3 दिन हमको इसका प्रभाव देखने को होगा, परंतु धीरे धीरे इसका जो नई जो चेतावनी नहीं आने वाली है 2-3 दिन तक, तो उसके कारण जो वर्षा की तीव्रता में कमी होगी, उससे स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, परंतु ये धीरे धीरे ये जो इसका प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम और फिर आसाम की तरफ इसका प्रभाव पड़ेगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दी है, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।